मधेपुरा ने निगरानी विभाग ने छापेमारी कर जिला नीलामवाद पदाधिकारी का प्रधान लिपिक बिंदेश्वरी सादा को 50,000 रुपए रिश्वत लेते गिरफ्तार किया है। निगरानी विभाग के DSP सुरेंद्र कुमार मऊवार के नेतृत्व में 15 सदस्य टीम ने उदाकिशुनगंज चौक के एक दुकान पर उसे घूस लेते हुए पकड़ा। उदाकिशुनगंज चौक पर ये जिला नीलाम पत्र पदाधिकारी कार्यालय के प्रधान क्लर्क हैं, ये निरंजन कुमार हैं, आपके मधेली दियरा वार्ड नंबर 11 थाना आलमगंज के आलमनगर के। इन पर सर्टिफिकेट केस हुआ था स्कूल भवन निर्माण के कार्य में अधूरा रहने के कारण इन पर FIR भी हुआ था, सर्टिफिकेट केस भी हुआ था। उसी सर्टिफिकेट केस को समाप्त करने के लिए इनके द्वारा 50,000 की नजायज राशि की मांग की गई थी, जिसको आज इन्हें लेते हुए 50,000 रुपये के साथ रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया। सर आपका क्या शुभ नाम है? सुरेंद्र कुमार मऊवार। आप लोग कितने इसका रेकी पहले किया गया था क्या? हाँ, वो तो प्रक्रिया है हम लोगों का। आप लोग किस टीम में कितने लोग हैं? टीम में तो हम लोग हैं अभी 15। नहीं, हम लोग 8 एक DSP, 2 इंस्पेक्टर, 2 सब इंस्पेक्टर, 2 ASI, 2 कांस्टेबल। जानकारी के अनुसार आलमनगर मधेली के निरंजन कुमार ने निगरानी विभाग से शिकायत की थी। निरंजन कुमार का कहना है कि किसी केस को खत्म करने के लिए उससे 50,000 की मांग की गई थी, उसके बाद उन्होंने इसकी शिकायत निगरानी विभाग में की। DSP के नेतृत्व में इसकी गोपनीय ढंग से जांच की गई और उसके बाद राशि लेते रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया गया। मधेपुरा से राजीव रंजन की रिपोर्ट।